मंदिर के कपाट खुलते ही माला माल हुए भगवान तिरुपति बालाजी। 80 दिन बाद भगवान तिरुपति बालाजी पर हुई धन वर्षा। लॉकडाउन हटते ही भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। लॉकडाउन में जहां तिरुपति बालाजी मंदिर पर कंगाली की काली छाया मंडराने लगी थी, लॉकडाउन हटते ही अब फिर से भगवान तिरुपति बालाजी पर धन वर्षा शुरू हो गई है। 80 दिन बाद जाकर जैसे ही मंदिर के कपाट खोले गए, 3 दिनों के अंदर अंदर 65 लाख रुपए का चढ़ावा आ गया। असल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते समूचे भारत पर लॉकडाउन लगा हुआ था और देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर भक्तों की एंट्री पर रोक लगा रखी थी, जिसका प्रभाव मंदिर के चढ़ावे पर भी पड़ा। रोजाना हजारों से लाखों रुपए का जो दान मंदिरों में दिया जाता था, उस पर अचानक से फुल स्टॉप लग गया। आम दिनों में तिरुपति बालाजी के मंदिर को हर महीने लगभग 220 करोड़ रुपए की आय होती है। रोजाना लाखों का चढ़ावा भगवान तिरुपति बालाजी को आता था, लेकिन लॉकडाउन में मंदिर की इस आय पर कोरोना का ग्रहण लग गया। नतीजतन मंदिर को 500 करोड़ के दान का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जैसे ही रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई, सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने की हरी झंडी दिखाई। बस फिर क्या था, जैसे ही भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर के बंद कपाट खुले, तुरंत भगवान तिरुपति बालाजी का खजाना भरने लगा। बताया जा रहा है कि 8, 9 और 10 जून को मंदिर में बाहरी श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं था। सिर्फ मंदिर से जुड़े 21,000 कर्मचारी और उनके परिवार को ही दर्शन करने की मंजूरी थी, और जिस कारण कर्मचारियों से ही 8 जून को 25 लाख से ज्यादा का दान मिला और 10 जून को 20 लाख रुपए का दान मिला। और इस तरह से इन 3 दिनों में लगभग 65 लाख रुपए से ज्यादा का दान मंदिर प्रशासन को आया। बहरहाल अब आम भक्तों के लिए भगवान तिरुपति बालाजी के कपाट खुल चुके हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर खुलने के शुरुआती 4 दिनों में ही दान का आंकड़ा लगभग 125 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। हालांकि कोरोना के खतरे को भांपते हुए सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जा रहा है। 10 से 12 फीट की दूरी पर लोगों को बैठाया जा रहा है और केशदान मंडप में बाल काटने वालों को पीपीई किट पहनने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि रोजाना तिरुपति बालाजी में तकरीबन 80,000 भक्तों की भीड़ उमड़ती है और विशेष अवसरों में ये भीड़ दोगुनी हो जाती है, जिसके चलते मंदिर की मासिक आय 200 से 220 करोड़ में होती है।